वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव, प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आपको हमेशा पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से मिलती रहती है, क्योंकि आपको मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है, और यही एसएमसी कपिल देव आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट बता के आपको बिल्कुल अपडेट रखता है। और आज की अपडेट बहुत ज्यादा शानदार है। क्या 2024 में नेक्स्ट ईयर आपको पाई नेटवर्क का मेननेट लॉन्च होते हुए दिख सकता है, मतलब आपका पाई नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा, और क्या आप पाई क्वाइन को बाय और सेल कर पाएंगे पूरी इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है गाइस। इस ऑफिशियल न्यूज में तीन न्यूज है, आज इस वीडियो में मैं उस एक न्यूज की बात करूंगा, उसके बाद आपको टू बी कंटिन्यू साथ साथ वो न्यूज देता रहूंगा। पहली जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है, मेननेट 2024 में लॉन्च हो सकता है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें तीन कंडीशन है। जी हां, पाई नेटवर्क कह रहा है कि हम 2024 में इसको लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या है वो तीन कंडीशन? क्या आपको लगता है वो तीन कंडीशन पूरी हो जाएंगी, या फिर 2024 में भी हमको कोई लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा कि भाई अभी नहीं हो सकता? देखिए, इस कंडीशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ आएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट जरूर चाहता हूं कि पाई नेटवर्क ये कंडीशन पूरी कर पाएगा या फिर एक लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का निशान मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक और लॉलीपॉप मिलेगा, तो देख लेते हैं। लाइक जरूर कर देना गाइस, मुझे इस वीडियो पे 2000 लाइक चाहिए कम से कम। आप लोग व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरी, लेकिन लाइक वाला बटन नहीं दबाते। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। तो गाइस बात कर लेते हैं 2024 की उन तीन कंडीशन के बारे में। सबसे पहले है लीगल वर्क। अब लीगल वर्क क्या है? लीगल वर्क की हम मेननेट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन जब हम लॉन्च करेंगे तो हमें बहुत से लीगल वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको एक एप्लीकेशंस में चलाना है, उसकी पेमेंट में चलाना है, पेमेंट में बाय सेल करने का ऑप्शन होना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट परमिशन देती है कि नहीं देती, इसके काम में जितने भी लीगल वर्क्स होंगे उसको मेननेट से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट इसको रोके ना, क्योंकि ये एक बड़ी करेंसी बनने वाली है। कहीं ना कहीं निकोलस जी चाहते हैं कि एक ऐसी करेंसी बने कि बिटकॉइन के साथ इस पाई नेटवर्क का भी नाम लिया जाए, बिटकॉइन की तरह ये उतनी ही प्रचलित हो, मतलब उतनी ही ज्यादा फेमस हो कि हर एक्सचेंज पे आपको पाई टोकन मिले। इसी वजह से उसके जितने भी लीगल वर्क्स हैं उनको पूरा किया जाए, ये है कंडीशन नंबर वन। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं कि हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट चाहिए। 47 मिलियन यूजर की केवाईसी कंप्लीट करना एक बड़ा पैमाना है, एक बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन गाइस अगर अभी के अपडेट के बारे में बताएं कि कितनी केवाईसी हो चुकी है, तो 15 मिलियन। 47 में 15 मिलियन केवाईसी हो चुकी है, यकीनन बहुत कम हुई है अभी फिलहाल, लेकिन वो भी 15 मिलियन कंप्लीट नहीं हो गई है। उसके अंदर से लगभग 4 मिलियन टेंटेटिव में है, मतलब आपकी केवाईसी में भी आपको देखा होगा पेंडिंग है या टेंटेटिव है। अब इसका क्या मतलब है कि वो रिव्यू में है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। और उसके साथ साथ 8 मिलियन यूजर के माइग्रेट हो चुके हैं, माइग्रेट टू मेननेट, मतलब बहुत से लोगों का होगा 8 नंबर स्टेप क्लियर ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपके क्वाइन माइग्रेट हुए ही नहीं। अब माइग्रेट नहीं हुए, इसका मतलब सीधे तौर पे या तो केवाईसी आपकी पेंडिंग है या टेंटेटिव में अटक गई है। अब इसको भी क्लियर करा जा रहा है, क्योंकि 2024 का सबसे बड़ा गोल यही है कि केवाईसी कंप्लीट की जाए। अब इसमें आप लोग कैसे साथ दे सकते हैं? अपनी केवाईसी का ध्यान रखें, और जितने आपके रेफरल हैं, जो आपके पीछे जुड़े हुए लोग, जो आपकी चैन में जुड़े हुए हैं, उनकी भी केवाईसी कंप्लीट करवाई जाए, यही पाई नेटवर्क आप लोगों से चाहता है। तो ध्यान रखना, जितने आपके रेफरल हैं उनकी भी केवाईसी कंप्लीट कराते रहो। अगर टेंटेटिव या पेंडिंग में है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली होता है, और साथ साथ माइग्रेट टू मेननेट 8 नंबर स्टेप ये भी ऑटोमेटिकली होता है, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर की कंडीशन क्या कह रहे हैं वो, कि हम अपना मेननेट लॉन्च करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें मेननेट लॉन्च नहीं हो सकता। अब ये बड़ी बड़ी कंडीशन है, इसमें बता रहे हैं कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी हो गई, जैसे कोरोना वगैरह हो गया जिसमें लॉकडाउन वगैरह लग जाते हैं या पूरा देश बंद हो जाता है, या कोई युद्ध हो गया, मतलब कोई वार हो गई, कोई बड़ी कंट्री वॉर हो गई, या वो बहुत बड़ी बड़ी बात है, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी में कभी इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो बोलते हैं अगर जहाज आपके घर पर गिर गया या आप जहाज से नीचे गिर गए तो आपका इंश्योरेंस होगा, कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, वैसी ये कंडीशन है। नहीं, ये बता रहे हैं कि कोई बड़ी चीज हो गई जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हो जाती है चीजें, ये सब कुछ बिगड़ जाती है, होच पोच हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं होगा।
एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात कर लेते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो नहीं होगा। तो गाइज इनके ऊपर अगर ये तीसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो चलिए छोड़ देते हैं, तो सबको मालूम है कुछ ऐसा हो जाता है तो कौन सा प्रोजेक्ट ही लॉन्च होने वाला है, वो पहले वाले प्रोजेक्ट भी बैठ जाते हैं। मेन बात है केवाईसी को कंप्लीट करना और सबसे बड़ी बात लीगल टर्म्स को क्लियर करना, दो कंडीशन है। अब आगे वाली न्यूज आपको अगली वीडियो में मिलेगी, इस वीडियो में 2024 में मेननेट लॉन्च हो सकता है कि नहीं, अब आपने कमेंट करके बताना है कि दो कंडीशन क्लियर हो जाएंगी कि अभी 47 मिलियन यूजर है उसमें से 15 मिलियन यूजर, मैं तो कहूंगा 8 मिलियन यूजर की केवाईसी कंप्लीट और मेननेट टू माइग्रेट हुए हैं, बाकी सब अभी टेंटेटिव पेंडिंग या लोगों ने केवाईसी नहीं करी, इनएक्टिवेट है। एक्टिवेट है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, जो इनएक्टिवेट है उन यूजर को या तो डंप कर दिया जाएगा, उनका अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा, या फिर उनको प्रेरित करा जाएगा केवाईसी करने के लिए। इसलिए वो हमसे भी चाहते हैं कि अपने जितने यूजर हैं, जितनी आपकी चैन है, जितने आपके रेफरल हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए उनसे और बताइए कि केवाईसी को कंप्लीट कर लिया जाए। आने वाले टाइम में इससे रिलेट कोई भी अपडेट होती है मैं आपको बताता रहता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। आपको एक चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।